Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपने पुत्र को बिखरता देख खुद भी बिखर गए मल्हार राव होलकर। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, बात करते हैं पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। आपने देखा एक बड़ा ही भावुक सीन, बड़ा ही इमोशनल सीन। मल्हार राव होलकर अंधेरे में बैठे हुए हैं और वहां पे उनकी पत्नी गौतमा बाई साहेब एक रोशनी, एक मशाल लेके आती हैं। तो वो कहते हैं कि मत कर गौतमा, रोशनी मत कर। वो बोलती क्यों, आप तो जहां पे रोशनी नहीं होती वहां पे रोशनी जलाते हो। तो वो कहते हैं कि रोशनी चुभती है। उससे पहले हमने देखा कि उन्होंने खंडेराव का पूरा वो दर्द, जो खंडेराव ने अहल्या को पूरा अपनी अपना पेन, अपना दर्द जो कह के सुनाया था कि ये सब चीजें उनके साथ होती हैं जो मल्हार राव होलकर, सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होता है। तो वही वो अपनी पत्नी के साथ शेयर करते हैं कि कहीं ये बड़े बड़े जो लिबास हैं, तो ये मुकुट, ये भारी लिबास के नीचे कहीं बाप दब तो नहीं गया है। तो वहां पे मल्हार राव होलकर की आंखों में आंसू देख के वो चकित हो जाती है, क्योंकि वो जो चट्टान जैसा सूबेदार, तो उनकी आंखों में आंसू, बोल पूछती है कि आपकी आंखों में आंसू। तो तब जैसे होता है ना कि फपक 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 के रो पड़ते हैं मल्हार राव होलकर और गले लग जाते हैं पत्नी के। ये बहुत ही भावुकतापूर्ण सीन था। कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होता है कि अपने पुत्र की, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि मैं तो भला ही चाहता था कि अपने पुत्र के पैरों के नीचे एक मजबूत जमीन देना चाहता था, ताजो उसको ऐसे ना मिले कि सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। तो मेहनत करने की आदत रहे ताजो आगे जाके बड़ी से बड़ी चुनौतियों का वो सामना कर पाए। तो कहीं ना कहीं मैं उस बात पे, आज मैंने जो खंडेराव को देखा तो मुझे लगता है कि मैं उस चीज में एज पिता के रूप में मैं फेल हो गया। तो ये बहुत ही भावुकतापूर्ण सीन था। तो वो कहीं ना कहीं कहती है कि आप जितने अभी भावुक हो, वो खंडेराव को क्यों नहीं दर्शाते, उसके साथ अपना दिल का हाल क्यों नहीं शेयर करते। ये कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है दोस्तों। जिंदगी में भले ही वो कोई सूबेदार हो, भले ही नॉर्मल इंसान हो, लेकिन अपनी औलाद के साथ एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार सख्ती भी चाहिए, लेकिन कई बार उनको वो भावुक, उनको वो प्यार भी चाहिए होता है। कई बार जब उनको गले लगाना है तो गले भी लगाना चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं मल्हार राव होलकर को अब एहसास हुआ है। तो आगे जाके क्या खंडेराव की तरफ उनका रवैया जो है थोड़ा बदलेगा और कहीं ना कहीं पति के दर्द को महसूस करके कहीं ना कहीं अहल्या के प्रति गौतमा बाई साहेब भी थोड़ी सी नर्म होंगी। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।